अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद, आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, हुकूमत और बिलखसूस शरीफ फैमिली आजकल जिस तरह के इल्ज़ामात की जद में है, अपोजिशन भी उन पर इल्ज़ामात लगा रही है और बज़ात खुद पैनमा केस जब जब रिपोर्ट होता है उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें सिवाय इल्ज़ामात के कुछ नहीं होता। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि आया रिसोर्सेज, ये सोर्सेज बियॉन्ड मींस हैं, जायदादें अपनी ज़राए आमदन से ज़्यादा इन्होंने हासिल की, तब तक फ़कत ये इल्ज़ामात रहेंगे। लेकिन इल्ज़ामात के जवाब भी उसी छदोमस से दिए जा रहे हैं नाज़रीन, और बाज़ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी कही हुई बात माने रखती है, जिनकी कही हुई बात में वज़न भी होता है और फिर वो अपनी उस बात पर स्टैंड भी करते हैं। मेरा इशारा उन लोगों की तरफ नहीं है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, जो रोज़ाना कभी PID में या कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर डाइस लगाकर गुफ्तगू करते हैं। मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो कभी कभी बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी बात में वजन और मानी होते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी आज जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं, मैं खुद ही बल्कि कह दूं कि स्टूडियो के में कुछ वो लाइटों की वजह से चॉइस खान साहब की आंखों में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, उसके लिए सर मैं माजरत खा भी हूँ। इमरान खान आपके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ, उन्होंने सर मनी ट्रेल दे दी अपनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जो उन्होंने मनी ट्रेल दी है इमरान खान ने, पहली बात तो यह है कि हमारे कोई सब, वो उन्होंने खुद से ये तय कर लिया कि वो हमारे सबसे बड़े मुखालिफ हैं, हम उन्हें मुखालिफ मुखालिफ समझते नहीं। सर आप तो सुप्रीम कोर्ट से निकलते बाद में बात पहले उनके खिलाफ करते हैं, वो एक ऑब्जर्वेशन पे बात नहीं करते। वो सियासी जरूरत होती है, इसलिए होती है कि पहले उनके लोग ये काम उन्होंने शुरू किया, ये जवाब रिजॉइंडर नहीं होता जमा, ये रिजॉइंडर है, वरना हमें कोई शौक नहीं है वो इस तरह की बातें करने का। अगर ये करेंगे तो पब्लिक परसेप्शन के लिए उसका जवाब देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे बताएं कि कौन सी उन्होंने मनी ट्रेल जमा कराई है, जरा मुझे दिखाइए, कहीं आपके पास है वो कागज है? कागज मंगवाया जी, वो मनी, और वो क्या तस्दीक शुदा है, वो उसमें कोई बैंक के डॉक्यूमेंट है, कोई है कोई इस तरह की चीज? मुझे उनका जो अकाउंटेंट है जो रिकॉर्ड रखता था, रिकॉर्ड कीपर, उनकी तनख्वाह का रिकॉर्ड कीपर, उसकी तरफ से, क्योंकि जिन जगहों पे वो खेला करते थे उन्होंने माजरत किया कि जी हमारे पास, हम 7 साल के बाद रिकॉर्ड को तलफ कर देते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। भाईजान बात ये है कि ये कंप्यूटर जो है ना, हमारे यहाँ बहुत बाद में आया था, वहाँ बहुत पहले आया था। ठीक है, बात वो करें, आपको नहीं कह रहा जो इमरान खान के, जिसको कोई लॉजिक तस्लीम करे, हमें हमारी बात छोड़ दें, कोई इलॉजिकल बात ना करें। एक बात तो ये है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना 21 साल मैंने काउंटी खेली है, ये इन्होंने नहीं खेली, मैं इस पर बात करूंगा, ऐसा ऐसा भी बहुत सारी चीजें आ रही आएंगी। तो कहते हैं एक दिन आप ये भी कहेंगे कि इमरान खान ने क्रिकेट ही नहीं खेली? नहीं, वो भी किसी ने कहा है, हमें कोई कहने की जरूरत नहीं, हमने इस तरह की फजूल, हम इमरान खान तो नहीं है जो इस तरह की बात करेंगे। इमरान खान करता है ना, यू टर्न खान मशहूर है, आज एक बात करेगा कल इससे अगले दिन दूसरी। अब मुझे बात बताएं, ये जो मनी ट्रेल है, ये पहले किस चीज का कहा, ये जमायमा ने दे दिया तो फलाने ने दे दिया तो वो बनी गाला था, ये बनी गाला फ्लैट्स का था, दो ट्रेल्स अलग है, फ्लैट का भी उसमें बेनामी की हुई है, फ्लैट की भी उसने जमायमा से, उसको छोड़े, वो इतनी दफा वो अपनी बात से मुनकर हो चुका है कि मुझे याद भी नहीं है कि कितनी दफा हो चुका है। एक बात बताए, इमरान खान की पहचान क्या थी सियासत से पहले? क्रिकेट, और क्या थे? दरिया माश सफर में समझ आ गया ना कि एक और सुपरस्टार क्रिकेटर था, ये तो माने ना आप, हमें भूल जाएंगे वो सुपरस्टार क्रिकेटर था, सुपरस्टार क्रिकेटर। मैं आपको स्क्रीन पे चला भी देता हूँ, कागज भी दिलवा देता हूँ, सुपरस्टार क्रिकेटर की जो आमदन होती है सर, इमरान खान का 7वां 8वां नंबर है, उससे भी ज्यादा अमीर लोग उसके जमाने के थे। बताएं मुझे सर, सचिन की $115 मिलियन है, इमरान खान के $51 मिलियन है। सचिन को छोड़े, ये सचिन के जमाने में नहीं खेला क्रिकेट, सचिन को छोड़े, ये सचिन ने जब शुरू की थी तो इनकी खत्म हो गई। आप तो शौकीन खुद भी क्रिकेट खेलते थे, इनकी जब ये क्रिकेट खेलते थे तो 3000 रुपए मिलते थे एक मैच के, समझ गए आप? पाकिस्तानी जी जी, पाकिस्तानी, वो काउंटी की बात, काउंटी की भी मैं बात बता दूं, काउंटी में जो हाईएस्ट जिसका एग्रीमेंट होता था ना, वो 30,000 to 40,000 pounds होता था साल का। अच्छा, ठीक है, उसमें से 35% टैक्स कट के 26,000 बचते थे। ये कैसे पता आपको सब कुछ? मुझे पता है ना हर चीज, मैंने लंदन में क्रिकेट भी खेली हुई है। तो मुझे मालूम है, मैंने एक बार, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये इतना स्पेसिफाइड कैसे है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं सियासत में हूँ ना भाई,
26,000 का मतलब तकरीबन 2,000 पाउंड जरा से ज्यादा उससे आपको महीने के मिले ना, तो उसमें तो आप खाना ही खाएंगे रहेंगे, कुछ बचता तो नहीं, फ्लैट तो नहीं लिया जा सकता वो भी इतना महंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि काउंटी खेलने में और लीग खेलने में फर्क होता है, और लीगें भी, जूनियर लीग भी है, सीनियर लीग भी है। अच्छा, कुछ लीगें ऐसी हैं जो हमारे ज्यादातर प्लेयरों ने खेली हैं, उसमें 50-50 पाउंड इवन 30-30 पाउंड भी एक मैच के वो देते हैं, समझ गए, और इनकी किताब उठा के पढ़े। इन्होंने कहा कि क्या नाम है पैकर, वो जो है, पैकर को छोड़ दे, अभी मैं और बात कर रहा हूं, 50 पाउंड नहीं 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 छोड़े, वो जिस किताब में इन्होंने लिखा है ना कि मैं अपने साले के साथ बैठ के जुआ खेलता था, मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने ये कहा कि 87 या 88 कि जी मेरे पास पैसे नहीं होते थे फीस जमा कराने के, तो मैं मैनचेस्टर से मैच खेलता था और रात को ट्रेन में बैठ के आता था पढ़ने के लिए। मतलब बहुत सारी इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जिस तरह यहाँ पे शहबाज शरीफ को लिख के दिया मियाँ साहब को कि मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, ये जबकि फ्लैट था अकॉर्डिंग टू दैट, वो फ्लैट था उनके पास, इतना महंगा फ्लैट था। भाई बात ये है, वो लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है आजकल, इमरान खान साहब ने वो सारा बहुत अरसे से कर रहा है उसको छोड़े। वो बात ये है, मैं ये कहता हूँ जी आपकी मनी ट्रेल आप जो मांगते थे ना नवाज शरीफ से, वो वाली दिखाएं, आप चक्कर ना दें कौम को, ना ये चौंक ये चक्कर में आएगी। मनी ट्रेल सादे कागज पे मनी ट्रेल दे रहे हैं आप चेक बताए ना। अच्छा, अगर ऐसे फर्क क्या रह गया सर, आपने भी तो सादे कागज पे एक बैलेंस शीट बनाकर दी थी कतरी की, ये जनाब की मनी ट्रेल है हमारी। नहीं, कतरी का जो लेटर था ना जी, वो एम्बेसी से तस्दीक शुदा था, दूसरा लेटर सर, दूसरा भी और तीसरा भी, समझ गए। इनका जो लेटर है वो सादा कागज पे है, और वो कंपनी खत्म हो चुकी है जिसके साथ ये इनका एग्रीमेंट था, वो बंदा कहीं और है, मतलब के चक्कर देने की भी इंतहा होती है। लेकिन अगला हमें ये बताएं, अगला आर्गुमेंट इसी आपकी इस बात को डिस्पेल करने, मैंने पहले मेरी बात बताएं, मुझे बताएं कि अगर इनकी मैं ये भी बात तस्लीम कर लूं, फर्ज करें कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि ये अहम कौन वाली बात है कि रिकॉर्ड नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड है, हम लाके हम देंगे ना आपको लाके रिकॉर्ड ला देना, अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये पहले तो यही लाएंगे ना, जिम्मेदारी इनकी है। नहीं, लेकिन जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है सर, आपका तो सिर्फ कतरी लेटर था ना, सुनते कम से कम कोई नंबर तो नजर आ रहे हैं। अभी 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 बात तो सुन ले ना, पहले मेरी बात पहले या कर ले या इनके कर ले, एक वक्त में एक बात कर ले, ठीक है। ये मुझे बताएं कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक तो खत्म नहीं हो गए ना, बैंकों का रिकॉर्ड तो हमेशा कायम रहता है, बिल्कुल ठीक है, तो बैंक से निकाल के दे दें, बिल्कुल ठीक है, सही है, चेक निकाल के दे दें। और क्रिकेटर के लिए अलहदा कानून है, मुझे बताइए कहीं ऐसी बात कहीं आपने पढ़ी है किसी कानून में? सर ऐसा कानून जो है ना, हमारे हमारे इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन पर ज्यादा जिम्मेदारी है, आम शहरी पर इस्लाम कम है। अभी बात आप इस्लाम पे आ गए फौरन, अभी तो यहाँ पे मतलब के फ्रॉड की बात हो रही है, मैं सर उस पे मेरी बात सुनो, उसमें भी आ जाते हैं अमीरुल मोमिनीन। हाँ जी, कानून चाहे अमीरुल मोमिनीन का हो, शरिया ला हो, कोई ला हो, वो उसमें हर शख्स बराबर है, उसमें तफरीक है ही नहीं, तफरीक हो तो कानून ही ना हो। तो कानून जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, वो मेरे और आपके लिए मुख्तलिफ नहीं होगा। तो ये आर्गुमेंट दिया जरूर जाता है, लेकिन इस आर्गुमेंट ये बेजान और मुर्दार आर्गुमेंट, इसमें तरजीहात तो रख सकते हैं ना, पहले किससे आगाज किया जाए, शुरू कहां से किया जाए, ये भी नहीं है कहीं। सुप्रीम कोर्ट में यही आर्गुमेंट सलमान राजा ने दिया कि जनाब के पी एफ बाकी 450 किधर है, तो जज साहब ने कहा कि बाकी 450 जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, जस्टिस जादुल हसन साहब के रिमार्क्स से। देखें जी, मैं और बात कर रहा हूँ ना, आप चले वापस उस पे आ जाते हैं, पब्लिक मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून है वो हर एक के लिए यकसां होता है, ठीक है, अगर इसमें जरा सी भी बात फर्क होना तो मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये आर्गुमेंट देना जो है गुमराह करने के मुतरादिफ है कि जी मैं तो उस वक्त वजीर आजम नहीं था, तो अगर तुम वजीर आजम नहीं थे तो इसका मतलब है तुम्हें करप्शन करने की इजाजत है, इसका ये भी मतलब है ना, बिल्कुल ठीक है। तो भाई बात ये है कि आप पे भी वही कानून लागू होता है जो वजीर आजम पे, नॉर्मली होता ये कि वजीर आजम नहीं उसका एहतसाब नहीं होता, दूसरे लोगों को होता, यहाँ पे तो वजीर आजम का हो गया ना, तो अब आप अपने भी दे देना जैसे उनसे ट्रेले मांगते थे। आपने अपनी ट्रेल को ताश की ट्रेल समझा हुआ 3 यक्कों की, तो वो तो कोई दुनिया नहीं मानेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं सर। अब एक और अहम बात वो आपकी पार्टी के हवाले से है, चौधरी निसार साहब की जो शिकायत है उनमें एक शिकायत सबसे बड़ी ये शिकायत है कि जी उनको उनके जो मुशीर है ना इर्द गिर्द मियाँ साहब को मरवाने वाले, अल्लाह माफ करें ये लफ्ज़ आम जो
आम जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मियाँ साहब को इस नहज तक पहुंचाने वाले, इस मुसीबत की घड़ी तक पहुंचाने वाले उनके मुशीर हैं, और यही इख्तलाफ का निसार का उनके मुशीरों से है। पहली बात तो ये है कि ये जो भी बात उनकी हुई है एक फोरम पे हुई है। दूसरी बात यह है कि किस नहज पे पहुंचाने वाले, मियाँ साहब अपनी जगह पे बिल्कुल कायम व दायम है, किस नहज पे पहुंचाने वाले? नहज पे तो ये पहुंचे हुए जिनके चेहरे के ऊपर मतलब जंगलीपन आ गया, बोल बोल के अजीब चेहरे हो गए। मियाँ साहब तो इस वक्त मालदीप में है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। कौन से अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो ये आर्गूमेंट मैं भाई कर लूँ आपका, तो 2014 में फिर किसने पहुँचाया था उन्हें? देखिए मेरा आर्गूमेंट नहीं है, जिसका भी है, निसार साहब की नाराजगी की वजह सामने आ रही है। मेरी बात सुने, देखे ना, चौधरी निसार अली खान की वजह जो है अभी उन्होंने पब्लिकली अपने मुँह से कहीं बयान नहीं की, ठीक है? ठीक है, तो अब जब उन्होंने बयान ही नहीं की तो उसमें बहुत सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें होंगी। नाराजी है ये तो आप तक देखें, देखें मेरी बात सुने, मैं फजूल बात नहीं करता। जहां इतनी बड़ी पार्टी जो है ना उसमें इख्तलाफ राय होता है और वो होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो वो एक फासिस्ट पार्टी कहलाएगी। चले आप बता दें इख्तलाफ राय है क्या? नहीं मैं तो मैं क्यों बताऊँ, पहले वो अपने मुँह से बताएं, ठीक है, और वो बता देंगे एक आध दिन में। कल अगर वो धमाका लाहौर में ना होता, उसमें शहीद हो गए, अल्लाह जन्नत मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर तो उधर जाएंगे, लाहौर जाएंगे, वो मालदीप चले गए। नहीं मालदीप ठीक है, वो वहाँ पे शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं, उधर उधर पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट पे आर्मी ने कब्जा किया है, ये इन इन ये जो प्रायोरिटीज है ना, इसको तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद तय करना है ना, मैंने और आपने तो नहीं करना है ना। सर आपका मशवरा बहुत काम आता है। नहीं मशवरा काम आता है तो वो वहाँ पे लुक आफ्टर हो रही है चीजें, कोई ये लाल शहबाज कलंदर का मज़ार नहीं है कि जहाँ पे लाशें जो है ना डेढ़ दो दो किलोमीटर दूर नालों से मिली थी, शहबाज शरीफ वहाँ पे खड़ा है, उसकी पूरी हुकूमत वहाँ पे खड़ी है। चले आपने, मैंने जिक्र किया नाज़रीन मुशाहदुल्लाह खान साहब के मशवरे के हवाले से कि माना जाता है, यही क्लेम जो है नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने अपने एक प्रोग्राम में पिछले दिनों प्रोग्राम, उनका प्रोग्राम नहीं था, शौकत पराचा साहब का प्रोग्राम था, उसमें बैठे थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि मुशाहदुल्लाह खान साहब का मशवरा जो है वो किस कदर कारामत साबित होता है, किस कदर उस पर मियाँ साहब अमल करते हैं। जरा सुनिए फिर मैं यही जवाब मुशाहद साहब से लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के बहुत से मामलों पर इख्तलाफ राय होता है नवाज शरीफ के साथ, और उसमें जो परवेज़ मुशर्रफ का मामला है वो सर फहरिस्त है कि परवेज़ मुशर्रफ को ट्रायल के बगैर पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में शहबाज शरीफ साहब का भी किरदार है, चौधरी निसार का भी किरदार है, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का भी किरदार है, और कुछ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का भी। जी वो भी उनको वो चाहते थे कि वो बाहर चले जाएं, और कुछ ऐसे जमहूरियत पसंद दानिश्वर और कालम नवीस भी हैं जो कि आजकल बहुत शदोमत के साथ जमहूरियत को खतरात के लिए के खिलाफ शोर डाल रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में है। ये वो तमाम अच्छा एंकर जो है उस प्रोग्राम के वो किसी और नाम पे नहीं चौके, वो आपके नाम पे चौके थे कि सेंटर मुशाहिदुल्लाह भी शामिल थे मशवरा देने में कि मुशर्रफ को ट्रायल के बगैर भिजवाया जाए। वैसे जरा इसके इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं मैं रिस्पॉन्ड इस पर मैं डिटेल में नहीं कर सकता, लेकिन मैं हामिद मीर की बात को झुटला नहीं रहा, बस इतनी सी बात है। अच्छा हाँ वजह ये खबर है वैसे कि बहुत सारी बातें आम खबर जो मुशाहिद साहब ने दी है सर, वजह क्या थी आपके जहन में, क्या वजह? नहीं जो भी वजह थी, मैं मतलब के मैंने जब उनको उनका ये शुरू हुआ था ट्रायल तो मैं उसके बहुत ज्यादा फेवर में था। ठीक है, बाज़ औक़ात होता ये है कि उसमें प्रायोरिटीज आ जाती हैं, जो अभी आप प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे, उस वक्त की जो प्रायोरिटी बनती थी मेरे लिहाज से वो मैंने, आप तसादुम नहीं होना देना चाहते थे, जो भी था वो उसकी बहुत सारी डिटेल है और बहुत सारी बातें हैं, और इस तरह की बातें होती रही। नहीं इतनी अहम बात आपने कहा है कि आप उसको झुटलाएंगे नहीं? मैं बहुत ज्यादा अहम आदमी नहीं हूँ, इसमें कोई शक नहीं, अगर इतना आपका अहम मशवरा जो है और भी इस तरह के मशवरे हुए हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये इदारे और वजीर आजम साहब की कुर्सी वो टकराव के करीब आ गई थी, उस टकराव को आपने बचाया है मैं समझता हूँ, तो इस क्रेडिट तो नहीं ना कम से कम। मैंने बस ये आपको बता दिया कि हामिद मीर ने जो बात की है, देखो सच बात को झुठलाना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात हुई थी। हामिद मीर को कैसे पता लगी मैंने तो नहीं बताया, जैसे भी पता लगी उसको, लेकिन उसने बात ठीक की है। अब इसकी डिटेल्स क्या है उसके, उसमें जाने का फायदा कोई नहीं। कल को फिर अगर ये कहा जाए मुशाहिद साहब, या जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि जनाब वो तो डिक्टेटर तो उधर बैठा है तो हमारा एहतसाब क्यों हो रहा है, उसका क्यों नहीं करते, तो जब भिजवाया आपने खुद है सर तो फिर ठीक है, इसको पीटना छोड़ दें। भिजवाया मैं ये भी नहीं कह रहा कि भिजवाया किसने है किसने नहीं है, एग्जैक्टली ये भी बात नहीं है,
भिजवाने वाले और लोग थे बहुत सारे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की बात थी, वो हो गई थी वहां। चले, आपने खामोशी का मशवरा दिया, आपने कहा कि इस मामले को यहीं पे। एक और बड़ी अहम बात सर, वो भी पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में की गई, मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं सर मुशाहिदुल्ला साहब से, सेनेटर साहब से ये बात पूछूंगा। जज निसार साहब ने अलेजेडली मुबीना तौर पर यह भी कहा गया कि ये मशवरा भी दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हुए कि जनाब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहें कि वो खत लिखें सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब आप ये जेआईटी के अंदर ये जो दो लोग शामिल हो रहे हैं एजेंसीज के, आईएसआई और एमआई के, इनको ना शामिल किया जाए, क्योंकि अगर फैसला हक में आ गया या मुखालफत में आ गया तो फिर इस पर एतराज उठेगा, इस पर उंगली उठेगी फौज के रोल के हवाले से, फौज के सियासी किरदार के हवाले से। क्या प्रीवी है सिचुएशन से सेनेटर साहब या नहीं, ब्रेक के बाद पूछूंगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना कुछ सुनाना चाहता हूँ जेआईटी के हवाले से।
फैसले के हवाले से जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, पूरे मुल्क पूरे कौम की नजरें हैं कि फैसला क्या आएगा। हर कोई अपनी तरफ से कया सराइयां भी कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं, जरा सुन लें। फैसला आ जाए उसके बाद बहुत सारे इंकशाफ होंगे इन पांच अजीम जजेस को और छह जो सिक्स सुपर सिक्स हैं जो जेआईटी के, उनको खरीदने के लिए अरबों में कोशिश की गई लेकिन उन्होंने थूका तक नहीं उन पैसों पे। फैसला कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस हफ्ते में आ जाएगा मुझे तो उम्मीद है, वरना कोई और धमाका हो जाएगा। फैसला कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस हफ्ते में आ जाएगा मुझे तो उम्मीद है, वरना कोई और धमाका हो जाएगा। पांच जजों को और सुपर सिक्स या छह मेंबरान जेआईटी को खरीदने की कोशिश की गई, ये अपोजिशन का एक इल्जाम है जो शुरू दिन से लगा रहे हैं। ये भी इन्होंने बड़ी शदोमत से लगाया कि जनाब यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ बाइंग पीपल, नून लीग की बात कर रहे हैं आपकी बात, अब भी आपने यही करने की कोशिश की। हिस्ट्री है? ये कहते हैं ना इनके, ये जो कहते हैं ये क्या हदीस पढ़ते हैं भाई? इन्होंने हमेशा झूठी बोला, कोई बात कभी इनकी सच साबित हुई है? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करे ये जो है ना एहतसाब का मामला सही चले, ये जो शेख रशीद की अपनी जायदाद है ना, इसकी जिस दिन इसने ट्रेल मांगी गई ना, कौन मांगेगा? नहीं कोई, जिस तरह से ये बातें करते फिर लोग मांगेंगे, आप ये मांगेंगे ना, ये ना लाल हवेली को जस्टिफाई कर पाएंगे, ना अपने फार्म हाउस को जस्टिफाई कर पाएंगे, और जो इनके पास हजारों केनाल फतेह जंग एयरपोर्ट के पास जमीन है उसको जस्टिफाई करें। वो मैंने उनसे पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह, मैंने 40 साल पहले वो जमीन खरीदी थी, अब जाके उसकी कीमत यहाँ तक पहुंच गई है, वो एयरपोर्ट में आ गई, फतेह जंग वाली जमीन। जी 40 साल पहले नहीं खरीदी थी, और 40 साल पहले भी खरीदी थी, इवन जिस तरह से खरीदी गई थी, जिस आदमी का इन्होंने उसमें चीट किया था वो मर गया बेचारा, वो भी गार्डन कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। और वो उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई हुई है। अगर ऐसा हुआ और ये स्टोरी तो आप बता रहे हैं तो फिर उनको इंसाफ दिलवाए सर, जिनके जिनके साथ धोखा हुआ। इंसाफ भी होगा ना, धोखा पता नहीं कितना, ये है धोखेबाजी सियासी तौर पे भी, ये धोखेबाजी है जो इन्होंने मतलब के गुफ्तगू की है, इसका सबूत देना छोड़ दें सारी बातों को, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है ना, जजों को खरीदना एक मजाक बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि जजों को इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, ये इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, और उन्हें ये बताना चाहिए, इससे पूछना चाहिए या खुद से बताना चाहिए कि भाई कौन है जिसने खरीदने की कोशिश की, और अगर किसी ने खरीदने की कोशिश की है तो मैं उसके सामने खड़ा हूँगा, ये याद रखिएगा। ये इस तरह की फजूल बातें रोजाना जो मुंह में आया वो बक देना, ये कोई बात है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए? आपके पास इनके खिलाफ कितने को सबूत मौजूद है, पलंदे हैं आपके पास? किनके इनके खिलाफ आपने शेख रशीद की, चले मिसाल ले लेते हैं, शेख रशीद साहब के खिलाफ मतलब के दो नंबर आदमी है पूरे पिंडी में, आप जाके पता कर ले किसी से, कोई गलत काम ऐसा है नहीं जो इन्होंने ना किया हो। अब हमारी जबान खुलवाते हैं ये, मैं तो इनके घर के करीब रहता था ना सर। ये जो दो नंबरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अभी जाके हुई है या जब आपके साथ मिनिस्टर? हमेशा से थे, जब मिनिस्टर थे आप? हाँ उस वक्त भी थे, मैं तो गलत बात नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ आपको खटकते थे? हैं? आपको खटकते? बिल्कुल मैं खटकते थे और मैं इसका इजहार भी करता था। तो मियां साहब ने क्यों इतना सीने से लगा के रखा? देखिए मियां साहब ने सीने से इसलिए लगा के रखा, मियां साहब को, मियां साहब तो लाहौर के रहने वाले थे ना, मैं तो मोहल्लेदार था ना, घर का भेदी था, मुझे पता था वो हो सकता है मेरी बात पे यकीन ना करते। अच्छा, बाद में जाके यकीन आया? बाद में आ ही जाता तो, है नहीं सर। देखिए बताओ, ये एक सवाल और मुझे अब तक मुझे क्या कौम को इसका जवाब नहीं मिल पाया कि जनाब आपके पास इन लोगों के हवाले से जो आप पे इल्जाम लगाते हैं, आपके पास दफ्तर भरे हुए सबूतों के, तो भाई ये भी तो कल को वोट लेने आवाम के सामने जाते हैं, अगर आपके मुताबिक ये दो नंबर लोग हैं तो इनको बचाएं, आवाम को बचाएं इनसे, इनको लेकर आए कटहरे में, इनका एहतसाब करें। देखिए डर किस बात का? बात ये है, कोई डरवर नहीं है, कोई डरवर नहीं है, और ये एहतसाब मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ये अदारों का काम होता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, ये शुरू हो गया ना एक काम, अब हो जाएगा सबका, अब बचता कोई नहीं है। ये जो बड़के शड़के मार रहे हैं ना, ये लग पा इनकी सामने आएंगी। मैं तो अभी मुतालबा कर रहा हूँ ना आपके इस प्रोग्राम के तवसल से, सुप्रीम कोर्ट से। सारा कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट पर डालना है? नहीं नहीं, मेरी बात पूरी सुने ना पहले, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितनी बड़ी बात कही है, मतलब के सुप्रीम कोर्ट के बारे में इन्होंने ये कहा है कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई, वो बिके नहीं, यही कहा ना, बहुत बड़ी बात है मेरे नजदीक। अच्छा, अब जिन्होंने ये कोशिश की है उनको सामने नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो उनको कौन सामने लाएगा? मैं तो नहीं ला सकता ना। अलग, आप चाहते हैं कि इस इनके इस मुतालबे इनके इस, मुझे ये एक लाख परसेंट यकीन है कि ये झूठ बोल रहा है।
ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इसने बोल दिया ना, इनका तो कोई पता नहीं ना, ये तो कहते हैं जी बकरा भाग गया तो कसाई भाग गया, मतलब शर्म नहीं आती। आप एक बात करते हैं, अभी ये जुलाई के महीने में पीछे हमारी हुकूमत गई हुई थी, अप्रैल में गई हुई थी, मार्च में गई हुई थी, ईद में गई हुई थी, कभी कोई बात सच साबित होती नहीं, झूठ बोल बोल के अपने आप को चला रहे हैं, किसी के साथ वफादार नहीं है ये, समेत इमरान खान के, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, जिस दिन इमरान खान का मफाद इनसे खत्म हुआ, ये इतनी गाली बकेगा इमरान खान को कि आप सोच नहीं सकते। चलें, ये भी आप मुस्तकबिल के हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं तो कि जो टर्न कोड्स होते हैं, हिस्ट्री के मुताबिक बात कर रहा हूं। अभी मैं बताऊं ट्रेल, बताएं हिस्ट्री की ट्रेल ये है कि ये चौधरी शुजात हुसैन एंड कंपनी के साथ थे, उनके वाले साहब इन्हें पैसे दिया करते थे, ठीक है। मुस्तफा खर ने ये कहा 85 की असेंबली में कि मैं इसको 3,000 रुपये देता था हर महीने, ये बुरका पहन के गवर्नर हाउस आता था, जब ये भुट्टो का दौर था, ये उस वक्त की बात। उसके बाद जनाब ये PMLN में होते होते आ गए, PMLN पे जिस दिन बुरा वक्त आया, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं थे, परवेज मुशर्रफ के साथ थे, परवेज मुशर्रफ को सैयद मुशर्रफ कहते थे। फिर जब परवेज मुशर्रफ ने पहला वजीर आजम बनाया जमाली को, तो ये जमाली के साथ थे। फिर जमाली हटा तो जब वो यहाँ से बेचारा भाई ट्रेन गया ना, तो उसको एक आदमी उसके साथ था वहाँ पे, कोई ये जो उसका बहुत बड़ बड़ के बातें करता था ना, जैसे ये इमरान खान के लिए करता है, ये वो उसको छोड़ने नहीं गया था। नवाज शरीफ को जब इसने छोड़ा, तो मैं खुद जावेद हाशमी गवाह हैं, जावेद हाशमी साहब लेके गए थे बेगम कुलसुम नवाज भी, इसने शर्त लगाई कि वो लाल हवेली आए, मैं भी था, एक जुल्फ़ार बलती मियाँ साहब का फोटोग्राफर था, ठीक है, वो भी था। तो जब इसने शर्त की, हम समझे कि शायद हम जाएंगे तो ये फिर हमारे साथ ही रहेगा, वहाँ जाके इसने पता ही क्या कहा, जावेद हाशमी साहब गवाह हैं, अभी भी जिंदा, फ़ोन करके पूछ लें कि ये जुल्फ़ार बलती मरहूम, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, कि ये रह जाएगा आपकी पार्टी में, सिर्फ सारे छोड़ के चले जाएंगे। भी साथ थे। हाँ अच्छा, ये वो लोग हैं। और नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो जो रतबुल लसाम थे ये नवाज शरीफ की, अच्छा फिर जफरुल्ला जमाली के बाद चौधरी शुजात उनके साथ हो गए, फिर शौकत अजीज आ गए, जी मेरा तो वोट शौकत अजीज के साथ है, मुशर्रफ के साथ तो मैं हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ। जब वो चले गए, मुशर्रफ को आज तक इन्होंने एक लफ्ज उसके हक में या उसके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो भाई इनकी हिस्ट्री, तो जो आपने आधा टोकरा उठा के मुशर्रफ का अपनी पार्टी में रख लिया था, तो इसको भी रख लेते आप, ये इतने पुराने साथी थे, ये हमारी पार्टी को छोड़ के मुशर्रफ के साथ गए थे, तो इनको गए थे, नहीं सुने ना, इनको हम लेते तो ये लोटा कहलाते, बाकी जो थे ना उन्होंने मुशर्रफ के साथ सियासत शुरू की थी, मारवी मेमन हो या दीगर बहुत सारे नाम है, जर्नलिस्ट जो हमारा है ये वजीर भी है और है काफी, ये मुशर्रफ के साथ शुरू किया था इन्होंने, ये हमारी पार्टी में कभी नहीं रहे थे, इन्होंने हमें बिट्रे नहीं किया था, अमीर मकाम जैसे, अमीर मकाम भी वो जमात इस्लामी में हमारे साथ नहीं था, ठीक अच्छा ठीक, इन्होंने हमें बेबाजा रखा हुआ था, नहीं बिट्रे नहीं किया, देखो ना यही बात है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, समझ आता, अगर हमें इन्होंने बिट्रे किया था, इन्होंने इतनी कोशिश की कि ले ले, हमने नहीं लिया, चले ठीक है, ये एक आपने चीज एस्टैब्लिश किया। मैं कुछ और चीजें नाज़रीन उनको भी साथ साथ जो है वो सेनेटर साहब के सामने रखूंगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है आज कल, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, जिस पर ऑपोजिशन ये कहती है कि जनाब बहुत हद तक इसके चांसेस है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी पार्टी है सर आपकी, ऐसा तो नहीं कि आप मुमकिनात पर चलते हैं, कोई प्लान भी तो आपने बनाया होगा, वो प्लान बी में किस किस का नाम है? प्लान बी जनाब बात यह है, उस वक्त बनता है कि जब हमें ज़रा सा भी शक हो कि जी ऐसा फैसला आने वाला है, हमें तो कोई शक नहीं, इसलिए कि नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है, नवाज शरीफ के बारे में कोई बात साबित नहीं हुई वहाँ पे, नवाज शरीफ से जो कुछ पूछा गया उसने तो 40 साल पहले की बातें बताई ना, ठीक है, इनसे तो 10 साल पुरानी बात नहीं बताई जा रही जो पूछने वाले थे, इनको छोड़ें सर, आप बताएंगे आपको लगता है इनको तो छोड़ना ही नहीं ना, आप इनको क्यों छोड़े, क्यों छोड़े इनको, ठीक है, इन्होंने इस मुल्क की सियासत को पूरा गंदा कर दिया है, इन्होंने लोगों की माओ और बहनों के का मजाक उड़ाया है, उनके खिलाफ गंदी गुफ्तगु की, हम छोड़ देंगे? अच्छा, यानी कि डंपर ये कहते हैं और उसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली ये कहते हैं मां बहनों को, और गलत इल्जाम ये लगाते हैं जो आप चले ये कर दी ना आपने बात जी। अब मुझे खुशी होगी अगर आप ये भी बताएं कि इमरान खान की लैंग्वेज क्या है और ये सारा कुछ स्टार्ट किसने किया है, वो जलसों में खड़े होके क्या कहता है, गिरबान पकड़ से पकड़ूंगा, शलवारें गीली हो गई,
सर वो भी याद है, जहाँ ये याद है तो ये भी याद है। ये काम जो है ना, लेकिन किसी की माँ बहन के ऊपर मैंने अब तक नहीं सुना। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये बातें सिवाय इमरान खान के किसी ने नहीं की है इस मुल्क की सियासत में। मैं जो कह रहा हूँ ना प्रागंदा किया है, ये ट्रैक्टर ट्राली कहने से माहौल प्रागंदा नहीं होता, समझ गए? किया वो भी गलत है, मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये शलवारें गिली तो फलाना तो ये ओए और ये और फलाना और तू तड़ाख, ये तो कभी हुआ नहीं इस मुल्क की सियासत में, ये तो इमरान खान ने शुरू किया। मैं इसी, और जो कल्चर अपने जलसों में डेवलप किया वो भी किसी कभी नहीं। वो मैं कल्चर पे भी बात कर लेंगे, वक्फा लेते हैं नाज़रीन। वक्फे के बाद दो अहम सवाल जो रह गए हैं इस ब्रेक में पूछ नहीं सका, ब्रेक के बाद आएंगे तो सेनेटर साहब से इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर
63 को पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म करने की कोशिश है, उस पर पीपल्स पार्टी भी आपके जो है वो साथ है, जबकि पीपल्स पार्टी अपने दौर में जब ये लाने लगी थी तो 18वीं तरमीम के दौरान आपने मुखालफत, फजलुर्रहमान साहब ने आपने मुखालफत की थी इसकी, लेकिन अब ये बिल शायद आप ही की तरफ से आए कि ख़त्म किया जाए इस शिक को 62-63, जो कि इस बात पर जोर देती है, लाजमी होता है कि एक मेम्बर पार्लियामेंट सादिक और अमीन हो। देखें, ये इन कैमरा इजलास एक हुआ है इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी का, उसके अंदर ये बात हुई। अब इन कैमरा की बात तो बाहर नहीं करनी चाहिए, इखलाकी तकाजा ये बाहर आ जाती होती है, आ जाती हैं, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। इखलाकी तौर पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसने भी किया वो सही नहीं। मुझे अब मुझे मैं मुशाबल्लाह अपनी राय पूछता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए, इस शिक को खत्म करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जावेद हाशमी की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि तमाम नबी वो मासूम थे, बेशक कोई शक नहीं। उसके बाद इस दुनिया की बुनियाद गलती पे हुई है ना, एक शैतान ने गलती की थी, गलती कह लें या गुनाह कह लें, तो गुनाह करने वाला तो सादिक अमीन होता ही नहीं है। अच्छा, सादिक और अमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने कहा था जो उन पर ईमान नहीं लाते थे, पता आपको? मतलब अल्लाह ताला ने उनको एक जब चक्की से गुजारा तो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मुखालफिन काफरों के सामने आए ना, उन्होंने कहा ईमान नहीं है लेकिन है ये सादिक और अमीन। अब ये पैमाना मुझे बताएं आज के दौर पे आप किस पे लागू करें? ये नहीं होना चाहिए, आप समझते हैं आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखें, इसको कोई ऐसे देखें सब्सटेंशियल मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मैं मुझे अगर कोई ये कहे कि जी तुमने कभी, मतलब झूठ तो बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं घर जाके तो झूठ ही बोलता है। ठीक चले, ये अच्छे शौहर की निशानी है। नहीं लेकिन सर, सवाल शौहर क्यों, मैं नहीं उस लिहाज से, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात सुने, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा। बहुत सारी बातें आदमी लोगों से ऐसी करता है वो घर में नहीं कर सकता। देखें, ये जो रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप से आप कुछ और बात करते हैं, बीवी से कुछ और करते हैं, भाइयों की बात कुछ और होती है, बहनों के सामने कुछ और बात करते हैं। खुलासा करते हैं, सियासतदान हमेशा सच नहीं बोल सकता, सच के लिबादे में नहीं रह सकता। मैं इसको खुलासा कर लेना, इसको एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को। अगर ये बात ऐसे है सर, पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये लाने की कोशिश की जा रही थी इस तरह की तरमीम, तो आपने मुखालफत क्यों की तब इसकी? मैं आपके मुताबिक आपकी जमात की मेरी जाती बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं जमात की बात तो नहीं कर रहा, हो सकता जमात ने भी मुखालफत की हो। इन कैमरा बात अच्छा चले, ये खूबसूरती है जी सेंट्रल साहब की कि वो अल्फाज के चुनाव में इतने माहिर हैं कि वो कुछ ऐसे करके निकल जाते हैं जहाँ पे हम जैसे जो है वो तालिबे इल्म तो उनको देखते रह जाते हैं। लेकिन सर, ये मैं बात नाज़रीन तक पहुंचा दूं आपके तवस्सुत से कि इन कैमरा कंसिडरेशन जरूर हुई है, ठीक है जी, इस बात पे सोचा गया, गौर किया गया, इसे खत्म किया जाए। अच्छा सर, अगली एक और बड़ी अहम बात है कि इससे पहले जो बात हो रही थी, जरा सा शायबा भी नहीं है आपको इस बात का? इतने कॉन्फिडेंट है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते? किसी को आपने किसी ने किट बना के पैड शेड पर आगे रखा हो कि यार तुम तैयार है? राय है, देखें कि अगर कहीं इंसाफ और कानून मौजूद है तो प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, अगर मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर सब कुछ हो सकता है। क्या किस किसके लिए तैयारी की हुई आपने, किस चीज के लिए तैयारी की? तैयारी की जहां तक बात है, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, चले इस पे सपोजिशन में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सपोजिशन पे बात होती, देखें ये जो हमारी पार्टी है ना, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत सारी बातें आदमी सोचता रहता है, लीडर भी सोचता रहता है, वो फैसले तक भी पहुंचा हुआ होता है, लेकिन हर बात को हर वक्त आश्कार नहीं किया जाता। ठीक है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा माहौल है, ऐसी बात है कि जनाब हमें ये बताना चाहिए कि जी मियाँ साहब नहीं होंगे तो फलाना होगा फलाना होगा। ये मियाँ साहब का इशू है, मैं तो सपोजिशन पर बात कर रहा हूँ ना, कि फ़र्ज करें आप कह रहे हैं इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, तो फिर मियाँ साहब ने सोचा हुआ होगा क्या करना है, और वो दो मिनट में बाहर आ जाएगी बात। अच्छा, वो फकर मियाँ साहब के फैसला होगा, पार्टी का नहीं होगा? नहीं, क्या किसी ने मशवरा दिया था उनको, बस आपके बड़े लोगों ने कि जनाब इस्तीफा दे दें? एक सेकंड, पार्टी ही का होगा फैसला। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वक्त पर निकालेंगे ना कि जी ये बात है, अब इस पर गौर कर लेते हैं, ठीक है, उसको गौर हो जाएगी। जो हमारे फोरम्स हैं, वक्त तो सर थोड़ा ही रह गया, इस हफ्ते या अगले हफ्ते फैसला जब आ जाएगा ना। अच्छा। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एकदम वो उसको उसी दूसरे लम्हे में करना पड़ेगा। हाँ। वो सब हो किसी ने मशवरा वैसे दिया है बड़ों में से जो मियां साहब के इर्द गिर्द
मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद ये जवाब मैं सेनेटर साहब से लेता हूं। क्या किसी ने अब तक उनको मशवरा ये दिया है, जैसा कि एलिजिडली कहा जा रहा है कि चौधरी निसार साहब ने शायद ये मशवरा दिया था कि कोई मोजा ही आपको बता सकता है, तो वो खबर हम सेनेटर साहब से लेंगे वक्फे के बाद। ناظرین سینیٹر مشاہد صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سینیٹر صاحب، کیا کسی نے میاں صاحب کو ابھی تک آپ میں سے مشورہ دیا ہے کہ یار اب میرے خیال ہے کہ ہمیں
میں صفحہ دے دینا چاہیے, شاید تصادم کی طرف بات نہ چلی جائے, بھلے آپ بے گناہ ہیں لیکن لیٹس ٹیک اے سٹیپ بیک. تصادم کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا, سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہے, ہم نے یہ کہہ دیا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تسلیم کریں گے, تو تصادم کہاں سے آئے؟ نہیں اس میں صبر کا امتحان لیا جائے, میاں صاحب کہتے ہیں ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو مطلب کہ جب وہی ریجائنڈر ہے نا اس کو تو چھوڑ دیں, ریجائنڈر سیاست دان دیکھیں, ہم اگر سیاست میں نہ ہوتے تو ہم خاموش ہو جاتے, وہ ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہی ہیں نا, جواب تو نہیں دیتے. میں پالیٹکس میں ہمیں پبلک پرسیپشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ورنہ ہم بہت ساری باتیں جو ہمارا دل نہیں کرتا جواب بھی دینے کو, اور عمران کی کسی بات کا ہمیں جواب دینے کو جی نہیں چاہتا, اس لیے کہ اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہوتی, اور وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے, ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے بار 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 بار, جیسے نشے کی حالت میں آدمی کرتا ہے نا, وہ اس طرح سے اب کب تک ہم کتنے دفعہ جواب دیں ایک ہی بات کا؟ اچھا جب وہ نہیں بات کرتا تب بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں, مطلب سپریم کورٹ میں گفتگو ہوئی آپ کے کیس کے حوالے سے, آپ باہر نکلے, آپ نے عمران خان پہ چڑھائی کر دی, تعلق ہی نہیں ہوتا عمران خان سے؟ بات نہیں, تعلق ہوتا اس عمران خان سے ہی ہے, عمران خان ہی گیا نا درخواست لے, جماعت اسلامی بھی گئی ہوئی ہے, جماعت اسلامی نے یہ جو ہے نا اس میں عمران خان ہی ہے, عمران جماعت اسلامی کی تو ریجیکٹ ہو گئی تھی, عمران خان ہے نا تو اسی کے بارے میں بات ہوگی نا, اور پھر عمران خان روزانہ کیا باتیں کرتا ہے, وہ تو تین دفعہ کرتا ہے بات, ہمارے لوگ تو وہ ریجائنڈر ہے, وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بڑا سخت ریجائنڈر ہے ویسے, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آر آدمی دانیال عزیز, طلال چودھری, عابد شیر علی, دیکھیں دانیال عزیز جو ہے اس کی بڑی تیاری ہوتی ہے, اس کی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, لیکن یہ تو ایک بات بنا لی ہے نا کہ جی وہ کوئی ایسی بات, دانیال عزیز کی بات ذرا آپ غور سے سنیں, اس نے اڑا کے رکھ دیا, وہ جتنی تیاری سے کر کے آتا ہے ان کے ایشوز پہ کوئی بھی نہیں کرتا, اور ان کے تو وکیل گندی باتیں کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی تو فلانا نہیں آتی, عابد شیر علی صاحب یا طلال چودھری صاحب کی گفتگو سے تو کمپیئر نہ کریں نا, عابد علی شیر خود بڑے آپ مہذب, عابد شیر علی نے کیا کہا, ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں سر آپ تو, نہیں نہیں میں بالکل ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو پی ٹی آئی کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ عابد شیر علی کی کیا بات کر رہے ہیں, عابد شیر علی تو ریجائنڈر دیتا ہے, وہ تو دے گا ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذرا پہلے تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا, یہ کس نے اسٹارٹ کیا ہے, کیا کبھی ہماری اس طرح کی گفتگو پہلے ہوتی تھی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی تھی, اختلاف تھا ہر چیز, کبھی کبھار ہلکی بلکی ایک آدھ دفعہ ہو گئی. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر پر تو بڑے جملے کستے تھے, محترمہ شہید پر تو بڑے جملے کستے تھے, محترمہ شہید بھی کستی تھی نا, اب وہ نہیں ہے دنیا میں, میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, بھٹو صاحب ماں بہن کے گالی دے دیا کرتے تھے جلسے میں, پتہ ہے آپ کو, میں محترمہ تک ہوں نا, میں محترمہ تک نہیں جا رہا, میں تو پھر سب کا مقابلہ مرد سے کریں, اگر عورت بول بھی رہی ہے تو پھر مرد تو نہیں آگے سے گالی دے, میں تو مرد کا مقابلہ اسی لیے مرد سے کر رہا ہوں نا, میں بے نظیر سے کرنا نہیں چاہ رہا تھا, تو کہنے کو آپ نے کہا نا آغاز آپ نے, وہ الزام آپ پر یہ کہ اس کا آغاز آپ نے کیا تھا, اور ٹارگٹ محترمہ ہوتی تھی, آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوا ہے نا کہ وہ شیر جنگل میں گیا تھا, یا وہ یاد ہے نا جی, یہ محترمہ نے سنایا تھا, پتا ہے آپ کو اس بات کا, آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو سر اس کا جواب پھر یہ بنتا تھا کہ کچھ نہیں کہا, ہم انتہائی ان کا احترام کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, اور یہ یک طرفہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی, انہوں نے جو زیادتی بے نظیر کے دور میں میاں نواز شریف کے والد کو رحمان ملک کی سربراہی میں گھسیٹا گیا باقاعدہ, پتہ ہے آپ کو, ان کو لہو لہان کیا گیا, 150 کیسز بنے نواز شریف کے اوپر پیپل پارٹی کے دور میں, یہ کہتے ہیں جی زرداری کے صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا, زرداری کو پکڑا کس نے تھا؟ ہم نے نہیں پکڑا تھا, پتہ ہے آپ کو اس بات کا, ہم نے نہیں پکڑا تھا زرداری کو, ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے, اب اس پہ بھی بات کر لیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وہ بات ہی نہیں کرتے, اور پھر مقابلہ کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو زیادتی, بھائی تم سارے کرپٹ ہو, یوٹیوب میں آپ زرداری کا نام ڈالیں کرپشن لکھا ہوا ہے, نہیں سر مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے جب بھی آپ یہ اپوزیشن جو کہتی ہے کہ جی ذکر پینما کا ہوا, آپ کہتے ہیں جی سازش ہوگی ہمارے خلاف, 21 انہوں نے ایم ایل اے بھیجی, ان میں سے چند کا جواب آیا, اگر آپ کے خلاف سازش ہوتی تو پھر سارے جواب دیتے نا, سارے ممالک جواب دیتے, عالمی سازش اگر آپ کے خلاف ہوتی کہ جناب ہاں ہمیں کھٹک رہا ہے نواز شریف, اس کو نکالو آفس سے, پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو جواب دیے ہیں نا اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے, ٹھیک ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے دیے, نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جے آئی ٹی کی جو ایم ایل اے نا میوچل لیگل, جے آئی ٹی کیا چیز ہے یار, جے آئی ٹی چند افسروں کا نام ہے, جے آئی ٹی کیا ہوتی ہے, جے آئی ٹی کی تو ہمیشہ
जो बनती हैं उनकी सिफारिशात को मुस्तरद करती है अदालत। मुझे किसी एक जीआईटी का नाम बताए ना जिसकी सिफारिशात को मुस्तरद ना किया हो। अभी डॉक्टर आसिम जो है उसकी जीआईटी बनी थी ना, क्या तो आपका तो सर रिकॉर्ड है ना जीआईटी की सिफारिशात को मुस्तरद करने का, आप चाहे नजफी की जीआईटी हो या फिर वो काजी फाइजीसा की कमीशन हो। नहीं मैं आप देख रहे रिकॉर्ड है ना सर इसको रद्द करने का। नहीं मेरा रद्द करने का नहीं, अदालतें रद्द करती हैं। आप देखें ना, आप मेरी बात को फॉलो करें मैं क्या कह रहा हूँ। अदालतें रद्द करती हैं। अभी डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो जीआईटी बनी उसने कहा जी ये 443 अरब खा गया, और खा गया है लेकिन मुस्तरद कर दी। जरदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने नैब कोर्ट में अपने जज लगवाए और फिर एग्जोनरेट हुए। ये हकायक हैं। अभी हमारा जरा सभी को न्याल आशमी का इशू हुआ, फर्ज करें पार्टी से निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इनका बंदा पकड़ा गया डॉक्टर आसिम 443 अरब में, उसे कराची का सदर बना दिया। ये फर्क है। मतलब ये सिर्फ करप्शन नहीं करते, हर करप्ट आदमी को प्रोटेक्ट करती है पीपल पार्टी। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने लोगों के खिलाफ एक्शन करते हैं। ये कभी हुआ नहीं है इस तरीके से। और फिर ये कहते हैं जो हमारे साथ जाती होती, भाई तुमने एक ही काम किया है इबादत समझ के बाकायदा कि करप्शन करनी, ये हमने छोड़ना ही नहीं है ये काम। अभी सिंध में क्या हो रहा है मुझे बताएं, 150 लोगों ने बेल फॉर अरेस्ट कराई है या नहीं कराई, इनके वजीर आज भी भागे हुए हैं या नहीं, आपको पता है ना कुछ लोग जायदादें खरीद का अच्छा वक्त खत्म हो गया सर हमारे, जायदादें खरीद का है ना मेरे भाई। देखें ये इल्जाम आप भी तो लगता है ना कि आपने भी तो एक करप्ट बंदे को सदर बना दिया नेशनल बैंक का, जो आपके साथ एक करप्ट है वो, जो आप जानते ही नहीं, जो आपके पास साथ है क्यों साहब। आपको अगर उस बंदे के बारे में पता लग जाए ना, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। क्या क्या इनकी एक्सपर्टीज क्या है, वो खुद कह रहे हैं मैं ओल्ड होम चलाता था। आपने उसको करप्ट कहा ना, क्या नजर आया कि आपने कहा कि इतने बड़े बैंक की सदारत करे सर। भाई देखें ना ये बात जो है ना, आपको आप उसे जानते ही नहीं ना, ये कोई बात नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि जी आपके अंदर क्या बात है जो आप यहाँ पे एंकर बने बैठे हैं, ये ऐसी बात है। चलिए सर मैं तो फिर आपको अपना नहीं, ये ऐसी ही बात है, ट्रेनिंग दिखा दूंगा कि मैंने शुरू कहां से किया, कुछ मैं ओल्ड हो, आप उसे सईद को नहीं जानते ना। चलिए वक्त खत्म हो गया, आप अगर सईद को जानते होते किसी अगले प्रोग्राम में बात, आप ये बात ही ना करते। वो इतना ईमानदार और नाइस आदमी, आपको पता ही नहीं है। एक्सपर्टीज सुनी होती ना सर, ईमानदार तो मोची भी होता है, उसको मैं लगा दूं उठा के। अकाउंट्स का आदमी है वो, पढ़ा लिखा आदमी। अब वक्त खत्म हो गया, इस पर अलग से किस दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, सेनेटर साहब आपने वक्त निकाला बहुत ही पेशेंस के साथ, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर एक दफा फिर आपके वक्त का। दीजिए इजाजत अल्लाह ने के पास।